ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਹੀ ਮਿਟਾਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ज़ूक ब्रांड के बहुत ही बढ़िया ट्रॉली स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। इसका मॉडल नंबर है ज़ूक रॉकर थंडर XXL एंड इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों वो है 6000 रुपीस। अगर आपको ये मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा। दोस्तों ज़ूक ब्रांड के आपको सारे मॉडल्स वहां पर बेस्ट प्राइस पर मिल जाएंगे। सो अगर आपको ज़ूक का कोई सा भी मॉडल परचेस करना है तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमने बिहाइंड सीन वीडियो भी दे रखा है पीसी मीडिया का, अगर आपने वो वीडियो भी देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों वो वीडियो हमने अपने सेकंड चैनल पर डाला हुआ है। सो अगर आपको बिहाइंड सीन वीडियोस देखने का शौक है तो जरूर से आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहां पर दोस्तों हमने सोनी सैमसंग गुप्ता रेडियो सभी के बिहाइंड सीन डाले हुए हैं। सो अगर आपने देखना होगा तो जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों यार ये ट्रॉली स्पीकर बहुत ही बढ़िया हमें मिलती है। जिनको दोस्तों बड़ी ट्रॉली चाहिए तो ये मॉडल जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर हमें 70 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, साउंड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस मॉडल का डिटेल पे इंडोर आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। बाकी दोस्तों अगर आपको इस मॉडल की साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये है हमारा ज़ूक रॉकर थंडर XXL का बॉक्स। एंड देख लीजिए दोस्तों बॉक्स पर मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है, साथ में डिज़ाइन जो है मॉडल का वो पूरा बना हुआ हमें मिल जाता है। दोस्तों देख लीजिए बॉक्स पर भी मेंशन करा हुआ है इस पर हमें 70 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। साथ में दोस्तों इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों ये मॉडल आउटडोर के लिए भी देख लीजिए बॉक्स पर मेंशन करा गया है कि यार बेस्ट फॉर आउटडोर यूज़, मतलब आउटडोर के लिए भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है ये। एंड हमें FM रेडियो भी इस पर मिल जाता है। सो पहले फटाफट से दोस्तों बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, बाकी हर एक चीज़ को आपको फिर डिटेल पे दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों हमें इस पर वारंटी कार्ड मिल जाता है, हमें इस पर अडेप्टर भी मिल जाता है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। दोस्तों अडेप्टर की बिल्ड क्वालिटी भी हमें डिसेंट मिल जाती है, हमें इस पर रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। दोस्तों बेसिक सा रिमोट कंट्रोल हमें मिलता है, बट रिमोट कंट्रोल पर हमें इक्वलाइजर का बटन मिल जाता है। सो हम अपने इक्वलाइजर को एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू। एंड नीचे से ज़ूक की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी हमें डिसेंट लग रही है। दोस्तों हमें यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, ऑक्स केबल भी मिलती है बॉक्स के अंदर, एंड हमें वायरलेस माइक भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। सो ये चीज़ बढ़िया लगी कि यार हम इस पर वायरलेस माइक को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वायरलेस माइक की बिल्ड क्वालिटी भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब अपनी ट्रॉली स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले थर्माकोल को हटाते हैं एंड अपनी ट्रॉली स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यार ट्रॉली स्पीकर का डिज़ाइन हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज साइज की ट्रॉली स्पीकर है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ट्रॉली स्पीकर को पूरे डिटेल में दिखा देता हूँ, देख लेते हैं इसका डिज़ाइन ओवरऑल हमें कितना बढ़िया मिलता है। तो देख लीजिए दोस्तों सामने की तरफ से सबसे पहले हमें 2 ट्विटर लगे हुए मिल जाते हैं 1 इंच के, एंड उसके नीचे दोस्तों हमें 12 इंच का वूफर लगा हुआ मिल जाता है दोस्तों 12 इंच का। सो देखिए साउंड क्वालिटी तो तगड़ी हमें मिलने वाली है। एंड नीचे से देख लीजिए पार्टी लाइट्स हमें मिलती है, साथ में हमें 2 होल मिल जाते हैं बेस रिफ्लेक्स सिस्टम जहाँ से एयर पास होगी। सो एक बार आप और फ्रंट साइड को थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। दोस्तों साइड से देखिए हमें हैंडल भी मिल जाता है होल्ड करने के लिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बैक साइड को डिटेल में दिखाता हूँ, देख लीजिए हमें बैक साइड पर भी हैंडल मिल जाता है, बिल्कुल ट्रॉली बैग की तरह मिलता है दोस्तों हैंडल इसका। सो ये चीज़ बढ़िया लगी है, वैसे हर ट्रॉली स्पीकर पर हमें ये चीज़ मिलती है। एंड दोस्तों बैक साइड पर ही देख लीजिए वॉल्यूम के लिए हमें नोब मिल जाती है, साथ में हमें ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाता है, TF कार्ड स्लॉट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, एंड हमें बटन्स भी मिल जाते हैं जैसे कि मोड का बटन, प्ले पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, माइक पेयर, ये सारे बटन हमें मिल जाते हैं। एंड दोस्तों हमें बहुत सारे नोब्स भी इस पे मिल जाते हैं कंट्रोल के लिए, ट्रबल के लिए, बेस के लिए, इको के लिए, माइक वॉल्यूम के लिए। एंड दोस्तों हम इस पर वायर्ड वाले माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, माइक इनपुट पोर्ट हमें मिल जाता है, साथ में हमें DC 9 वॉट का भी पोर्ट इस पर मिलता है, पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच मिलता है, LED के लिए भी ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है, साथ में DC 12 वॉट इनपुट पोर्ट भी हमें इस पर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। सो बैक साइड पर दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें इस पर मिल जाती है, साथ में दोस्तों नीचे से हमें 2 टायर लगे हुए भी इस पर मिल जाते हैं। बाकी देखिए दोस्तों यार इस पर हमें पोर्टेबिलिटी कितनी बढ़िया मिलती है, देख लीजिए हम अपने वन हैंड से ही इसे उठा सकते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी है। हमारे सर तो एक्सरसाइज करने लग गए हैं इसे उठा के।
चलिए दोस्तों अब इसे पावर ऑन करते हैं। देख लीजिए दोस्तों जैसे ही हमने इसे पावर ऑन करा डिस्प्ले हमारी बैक साइड पर मिलती है, मैं आपको बताना भूल गया था, देख लीजिए ऑन हो गई है। सबसे पहले इसकी टॉप वॉल्यूम देख लेते हैं दोस्तों, इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आपको डिटेल साउंड टेस्ट दे देते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको आउटडोर पे भी इसका साउंड टेस्ट देंगे। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको इस ट्रॉली स्पीकर का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो दे दिया है, इंडोर पे भी आउटडोर पे भी। सो अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएगा। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके की साउंड क्वालिटी मिल जाती है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों यार मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये मॉडल बढ़िया लगा है। मतलब 6000 रुपीज़ में यार दोस्तों 12 इंच वाली वूफर वाली ट्रॉली हमें मिल रही है। ऊपर से दोस्तों यार साउंड आउटपुट एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया हमें मिला, चाहे इंडोर पे आउटडोर पे। मतलब मेरे हिसाब से दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो प्ले टाइम है वो 2 से 5 आवर्स के बीच में है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार इस पर हमें बैटरी पे कितना ज़्यादा प्ले टाइम मिल पाएगा। सो आपको 2 से 5 घंटे के बीच में इस पर प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 70 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बाकी हमें वायरलेस माइक मिल ही जाता है, अगर आप सिंगिंग करने के शौकीन हैं तो तभी भी आपके लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो अगर आपको ह्यूज साइज की ट्रॉली परचेज करनी है तो मेरे हिसाब से आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।